ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में हम फर्स्ट कर चुके हैं फ्रॉम HX हैलो एसिड, उसके अंदर हमने किया था कलोजी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडली देन प्राइमरी, फिर हमने किया था रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स फ्रॉम लुकास एजेंट, वो सारा अल्कोहल में था, तो और लुकास एजेंट के अलावा हमने किया था कुछ भी नहीं, मिथाइल शिफ्ट भी उसी में आ गया था, है ना, तो सेकंड इज फ्रॉम फास्फोरस एलाइड्स, PCl3, फास्फोरस, PCl5, ठीक है, फास्फोरस एलाइड्स में हमने अल्कोहल लिया, क्या लिया, उसमें डाला PCl3, क्या डाला, और ये बनेगा RCl, क्या बनेगा, RCl plus H3PO3, है ना, अच्छा ROH में अगर PCl5 डालते हैं, RCl PCl3, अच्छा इसमें PCl5, PCl3 की जगह PBr3 भी डलता है कभी कभी, तुम डाल सकते हो, PCl5 में रिजेक्ट RCl प्लस POCl3 प्लस H3, ठीक है, इस रिएक्शन में PBr3 भी चल सकता है और PCl, इसमें PCl5 भी चलता है, और तीसरी रिएक्शन है ROH प्लस रेड फास्फोरस एंड Br2 और Ri2, इसके अंदर क्या होता है, फास्फोरस रिएक्ट करता है विद Ri2, तो making Pi3 and Pi, P react करता है Br2 से, making PBr3, और PBr3 और Pi3 फिर इस पे attack करते हैं, making it RBr और R, I बनाने का भी एक method है, और Cl बनाने के तो दो method है, और Br बनाने के दो method आए, देखो कैसे कैसे, खुद दिमाग लगाओ, सर क्या करना है, जितने method आए, ये देखने को कह रहा हूँ, देखो Cl के दो मेथड, ठीक है, Br के दो मेथड, या तो PCl3 यूज कर लो या फिर रेड फास्फोरस और Br2 यूज कर लो, और I का एक मेथड, F का एक भी नहीं है, Cl के लिए रेड फास्फोरस डाल सकते हैं, डाल सकते हैं पर डालते नहीं है, जब हमारा डायरेक्ट मिलता है, ये स्टेबल नहीं होते Pi3 और PBr3 में, तो इस वजह से हम उसको इस तरीके से बनाते हैं, इन सीटू रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ठीक है, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी लेवल है, इसमें कुछ खास आया नहीं, तो वो तो सॉल्ट वाले में था, केआई वाले में, वो भी हमने एनसीईआरटी में कर लिया था, तो उसको वाइप से कवर कर लेंगे, ठीक है, हमारी इन क्लासेस का मतलब ये है कि बस हम एडिशनल वाला इसमें करें, ये थर्ड थर्ड है in situ reaction वाली थी, action of thionine chloride, thionine याद है, SOCl, SOCl, और ये preferred method भी होता है, इसका एक नाम भी है Darzan's process, इसको Darzan's process, ठीक है, अच्छा तो R OH plus SOCl2 gives RCl plus SO2 gaseous plus HCl gaseous. तो ये इसमें SO2 escapable gases है, HCl escapable gas है, leaving behind pure alkyl halide. Next. जो method नहीं था अब आगे फिफ्थ मेथड पे प्रिपरेशन पे दैट इज फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड सर फोर्थ है फोर्थ है अल्कोहल के बाद फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ एक मिनट सर एक मिनट ये अल्कोहल के बाद का पार्ट है फ्रेंड नहीं अल्कोहल का पार्ट नहीं है अच्छा फिफ्थ पार्ट ठीक है फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स ठीक है तो हम इसमें लेंगे R C O O H सिल्वर सॉल्ट लेंगे पर एसिड्स का
इसमें हम डालेंगे Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 और ये हमारा देता है RBr प्लस CO2 प्लस AgBr। तो देखो इस रिएक्शन को समझो, ये स्टेप डाउन है, ये काम कर रही है। देखो CO2 बाहर हो गया, क्या बाहर हो गया CO2। तो अगर मैंने यहां पे सॉल्व लिया प्रोपेनोइक का, तो यहां पे मेरा इथाइल ब्रोमाइड बनेगा, क्या बनेगा क्योंकि एक कार्बन तो बाहर जा चुका है, स्टेप डाउन है। दूसरी बात, दो बीआर थे, एक AgBr बन गया और दूसरा RBr बन गया। तो सिंपल है समझना इसे, RBr AgBr CO2 बाहर, ठीक है। ये रिएक्शन स्टेप डाउन है तो अच्छी है, एनसीईआरटी में नहीं थी तो आज तक हम इससे फैमिलियर नहीं थे, तो ये स्टेप डाउन रिएक्शन। इसका नाम भी और अजीब है, इसका नाम है पढ़िए तो, इसका नाम है हंस डिकर रिएक्शन। और एक और इसका नाम कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है बोरोडीन हंस डिकर रिएक्शन, नाम बढ़िया ठीक है तो यहां तक तो सब ठीक है, पर पॉइंट इज दिस कि ये कैसे बनाएंगे, ये तो कभी आता ही नहीं, आता है तो इसको बनाना भी आसान है। AgNO3 डाल सकते हैं एसिड में, किसमें जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बनाना है ये COOH, इसे बोलेंगे नहीं, दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्साइड नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई कैसे नहीं है क्योंकि इसके सी पे नंबर नहीं आए। अगर सपोज इसको तुम्हें साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड बनाना हो, क्या बनाना, तो तुम्हें लिख रहा है CO2 निकालना है, स्टेप डाउन करना है, तो हंस डिकर रिएक्शन करनी है, ठीक है। पर उसमें Ag लगा होता है तो तुम्हें Ag को हटाना है, Ag लाना है, तो तुम डालते हो AgNO3, तुम क्या डालोगे AgNO3, फिर COAg क्या बन जाएगा COAg में फिर हम डालेंगे Br2 in the presence of CCl4, तो ये ठीक है। ठीक है, अब थोड़ी थोड़ी यहां पे इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिएक्शन रिएक्टिविटी या यील्ड ऑफ हैलाइड, यील्ड माने जो हैलाइड बनते हैं वो सबसे ज्यादा प्राइमरी की सबसे अच्छी आती है, इसकी अच्छी आती है सेकेंडरी और टर्शियरी की सबसे कम, टर्शियरी वाले एल्कीन ही बना बैठते हैं, क्या बना बैठते हैं एल्कीन। तो देखो ये देखो
अगर ये था इसमें ये प्राइमियल कैलेंडर बना था, ये क्या बना था? इसमें देखो ये यहां से दिया गया तो ये बन गया सेकेंडरी, क्या बन गया सेकेंडरी। टर्शियरी वाले में वो एल्कीन ले लेता है क्योंकि एलिमिनेशन हो जाता है, क्या हो जाता है अभी देखते हैं। कभी कभी सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से कंप्लीट करता है, तुम आगे जाके पढ़ोगे जैसे एक्वस क्यूएच और एल्कोहलिक क्यूएच, एक तो ये चीज था और एक और था जब हमने पढ़ा कंसेंट्रेटेड H2SO4 कॉपर 573 केल्विन, तुमने वो पढ़ा था ना जब एल्कोहल में कभी-कभी टर्शियरी वाले एलिमिनेशन में लेते हैं, तुम सब पढ़ोगे बाद में। पॉइंट इज दिस, कभी-कभी ऐसा होता है कि टर्शियरी वाला प्रोडक्ट एलिमिनेट कर देता है इंस्टेड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग, तो इसके अंदर ऐसे ही कुछ होता है। तो अगर मैंने सपोर्ट टर्शियरी बनाने की कोशिश करी, टर्शियरी बनाने की कोशिश कैसे कर सकता हूं, CH3 COOH ये लिया। अब जब ये COOH, अब जब मैं CO2 निकालूंगा ये निकलेगा CO2 निकलेगा, AG BR के साथ निकलेगा और BR यहां पे आएगा तो टर्शियरी बनना चाहिए था, क्या बनना चाहिए था पर टर्शियरी के बीच में जब कार्बोकेटायन बनता है तो वो एल्कीन बना देता है, क्या बना देता है तो यहां पे क्या होता है ये सब कुछ हटा के सब कुछ हटा के एक H पूरा करना था ना, एक H ऐसे पूरा हो जाता है, इसका H इधर चला गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या बन गया CH3 CH3 सब कुछ बन गया। बराबर, पॉइंट इज दिस, अगर हम टर्शियरी प्रोडक्ट बनने वाला हो, क्या बनना हो टर्शियरी प्रोडक्ट बनने वाला, तो उसके इसमें एल्कीन बन जाते हैं बिकॉज़ एलिमिनेशन कंप्लीट्स विद सब्स्टिट्यूशन। तुम ये पूरा ग्रुप हटा दो और जो बचा उसको एल्कीन बना दो, एच कंप्लीट करने के लिए चलेगा, हाँ एल्कीन बना, ठीक है कंप्लीट करो। इसके अंदर एक दो भेज दे तुम्हें प्लस CO2 निकल रहा है। अच्छा अब देखो ये रिएक्शन अभी तक हमने Br2 के साथ करी, किसके साथ करी है सर? सर तो अगर मैं इसको आयोडीन के साथ करूं, किसके साथ आयोडीन, तो कुछ और अजीब हो जाता है, RCOOAg+I2 तो एस्टर बन जाता है, क्या बन जाते हैं मैं बंद कर रहा हूं सर क्लास 5 मिनट सर 5 मिनट में इसको बंद करो, नीचे नहीं हो नीचे चले जाओ ऊपर जी का वो पार्ट है ये तो इसमें क्या है ये CO2 निकलता ही नहीं, CO2 निकलने की निकलता ही नहीं है CO2, तो क्या होता है यहाँ पे एस्टर बन जाता है, तो क्या होता है RCO, एस्टर क्या होता है RCOOH, ऐसा होता है ना। तो ब्रोमीन में ये रिएक्शन होती है क्या, क्लोरीन में देखिए अभी हमने क्लोरीन में नहीं होती, आयोडीन में हम कोशिश करने की कोशिश करते हैं पर होती नहीं है, उसके इसमें प्रोडक्ट I2 क्या बन जाता है एस्टर, तो बन जाएगा RCOOR, ये दो बार आ जाता है प्लस AgI। इस रिएक्शन का नाम और भी फनी है, ये रिएक्शन कुछ और ही हो गई है, इस रिएक्शन का नाम है लिखेंगे मैं देख के बोलता हूं ऐसे नाम देते बर्न बॉम बर्न बॉम बर्न बॉम बर्न बॉम सिमोनिनी सिमोनिनी रिएक्शन। तो यहां पे क्या है हम करने की कोशिश करते हैं हंस जिगर रिएक्शन पर आयोडीन में हो जाती है बर्न बॉम सिमोनिनी, और इसमें दो CO2 बाहर हो जाते हैं और दो AgI, तो इस रिएक्शन को भी समझ सकते हैं हम।
यहाँ पे तुम दो एसिड लो, क्या लो? दो एसिड, तो देखो दो एसिड आर सी ओ ओ ए जी, क्या लिया तुमने? आर सी ओ ओ, ठीक है। अच्छा अब इसमें से सिर्फ आर लो, क्या लो? और इसमें से आर सी ओ लो, तुमने जोड़ दिया आर सी ओ आर बन गया एस्टर, ठीक है। एक ए जी हाई के साथ निकला, एक और ए जी हाई के साथ निकला, दो ए जी आए हुए और एक क्या निकल गया? CO2। CO2 तो ये निकल गया, चेन रिएक्ट कर गया। नहीं ये एस्टर ही है, ये जो एसिड है ये अपने पे अटैक करता है, ठीक है। तो इसके अंदर CO2 एक निकलना चाहिए, कितने निकलने चाहिए? हमेशा मतलब ये AgOOCr ही अलग से है। AgOOCr ही ये एक तो है, इसको उल्टा करके लिखा है, उल्टा करके तो इसका रिएजेंट एक ही है पर वो अपने पे रिएक्ट करके एस्टर बना देता है। क्या बना देता है? बस लास्ट इसको हम यूजफुल कैसे बना सकते हैं? अभी तक तो इसकी यूटिलिटी दिखी नहीं, क्योंकि ये प्राइमरी में काम करता है, सेकेंडरी में करता है, टर्शियरी में एल्कीन दे देता है, ब्रोमीन में अटैक करता है पर आयोडीन में नहीं करता, ठीक है। तो इसकी यूटिलिटी बनाने के लिए हमने इसको मॉडिफाई किया हुआ है, इससे थोड़ा सा रिलेटेड टॉपिक है। मॉडिफिकेशन इसकी कुछ ऐसी है कि हमने रिएजेंट बदल दिया है, हमने यूज किया है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड यूज किया, तो हम लेते हैं आर सी ओ ओ एच एसिड और इसमें हम डालते हैं एच टू इन द प्रेजेंस ऑफ एच जी ओ और हीट करते हैं, तो हमारा बनता है आर एक्स, ठीक है, और सीओ टू और एच जी एक्स टू और एच टू। तो इसको सोचो, ये सिमिलर टू वही रिएक्शन है जिसमें एसिड होता था और AgNO3 से Ag का सॉल्ट बनता था, यहाँ पे मर्करी का सॉल्ट बनेगा पहले और फिर उसमें Cl2Br2 डालते थे तो अटैक होता था, तो CO2 बाहर चला जाता था और उसमें AgH बनता था, यहाँ पे HgH2 बन रहा है मर्करी का, तो ये थोड़ी सी बेटर रिएक्शन है क्योंकि इसमें क्लोरीन भी काम चलेगा, इसमें क्लोरीन भी। आयोडीन के लिए तुम कुछ और करना प्रेफर कर सकते हो, आर सी नहीं तो हो जाएगा बर्न बॉम सिमोनियम, तो तुम क्या प्रेफर कर सकते हो? लेड एसिटेट यूज करना, PbOAC4I2NbH2। तो तुम्हारा एक्स यहाँ पे ClBr, इसके अंदर ClBr काम कर जाएगा इस मॉडिफिकेशन में, और इसके अंदर हम दूसरा मेथड यूज करते हैं, अगर तुम्हें आयोडीन एसिड से ही बनाना है और CO2 को बाहर निकालना है तो हम यूज करते हैं लेड एसिटेट। ये OAC कुछ अजीब बात नहीं है, ये एसिटेट आयन है CH3CO-, लेड एसिटेट एंड इससे हमारा आयोडीन आर आयन पे अटैक करता है, CO2 वगैरह फिर भी बाहर जाते हैं पर बाय प्रोडक्ट गिवन नहीं है, बाय प्रोडक्ट वही होंगे क्योंकि इसका मॉडिफिकेशन है, तो इसका बाय प्रोडक्ट होगा CO2 Pb जाएगा X2 के साथ, ऐसे करते हुए इसके बाय प्रोडक्ट। तो ये हम अगर डराने के लिए जेई में कुछ पूछा जाएगा तो हम ये याद करके जाएंगे, कि नीट में नहीं पूछा जाएगा ये कंफर्म है क्योंकि ये नीट से एनसीईआरटी से बहुत दूर हो रहा है। क्लियर है भाई? सर लास्ट में दिखा सकते हैं, हां जी सर, ब्रेन ग्राम से बोले नहीं गया होगा। तो अभी भी दो रिएक्शन रह गई है प्रिपरेशन की, करें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में चलो एक तो हैलोजन एक्सचेंज है, आती है स्पॉट्स ऑफ सिंगल सीन करेंगे, चलो कंप्लीट करेंगे कल, कल 10 बजे 10 बजे कोई बात नहीं।